तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा जेसीबी का जो ट्रांसमिशन आयल होता है किस तरीके से चेक करेंगे और किस तरीके से हमको चेक करना है। जब भी हम मशीन स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह तो हमको जो है कि ट्रांसमिशन आयल चेक करना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है कि जैसे कि हम जैसे इंजन आयल चेक करते हैं उसी तरीके से हम ट्रांसमिशन आयल को चेक करते हैं। तो चेक करते हैं किस तरीके से, यहाँ से देख सकते हैं छोटा सा यहाँ पे गेज बना हुआ है जो कि ट्रांसमिशन आयल का यहाँ पे गेज है। यहाँ से मैं नजदीक करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला गेज है, यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे लगा हुआ गेज। इसको गेज को हम निकाल लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं गेज है। इस गेज को पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, देख सकते हैं गेज को, पहले गेज को हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इसको, गेज को मैं निकाल लिया हूँ। गेज को निकालने के बाद जो कि यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ट्रांसमिशन आयल अभी यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है कि हमारा ट्रांसमिशन आयल यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको क्लीन कर लेना है। उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप मशीन स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले आप इंजन आयल चेक करते हैं, ट्रांसमिशन आयल चेक करते हैं। तो ट्रांसमिशन आयल का जो हमारा गेज होता है ना, यहाँ पे ये देख सकते हैं पट्टी, यहाँ पे थ्री लाइन दिखाई दे रही है, थ्री फोर लाइन दिखाई दे रही है जो कि इस पे हमारा यहाँ पे रहेगा ट्रांसमिशन आयल। तो हमारा लेवल है जो कि हमारा ट्रांसमिशन आयल इस जो गेज दिखाई दे रहा है इसमें रहना चाहिए, जो पट्टी दिखाई दे रही है इसके ऊपर रहना चाहिए। अगर नीचे रहेगा इसके लाइन के तो आपका जो ट्रांसमिशन आयल खत्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे रहेगा तो धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा, जो कि आपको ट्रांसमिशन अगर कम है तो आपको डाल लेना है। तो इस पट्टी से हमारा ऊपर रहना चाहिए, जब भी आप ट्रांसमिशन आयल चेक करते हैं तो आपको ट्रांसमिशन आयल इससे ऊपर रहना चाहिए, इसके लेवल रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप ट्रांसमिशन आयल को चेक करेंगे। जब भी आप सुबह सुबह मशीन स्टार्ट करते हैं तो इंजन आयल चेक करते हैं, ट्रांसमिशन आयल चेक करते हैं, दोनों प्रोसेस एक ही तरह है, एक ही तरह आप चेक करेंगे और फिर चेक करने के बाद इसी तरीके से हम लगा देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।